गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हमारा लाइन एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट जो हमने पिछली वीडियो की थी। जो पिछली वीडियो में जो हमने होमवर्क किया था उसी से बेस्ट क्वेश्चन है पहला, इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग। ये जो दे रखा है इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसमें दे दिया इसने ऐसे दो लाइन ट्रांसवर्सल रे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये एंगल दे दिया 55 का, इसके सामने जो हो एक्स एंगल है, ये है वाई, ये है जेड। तो हमने जो है पीछे डिस्कस किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। तो देखो, हमें पता है कि इस क्वेश्चन में ये जो जब भी कोई दो रे आपस में क्रॉस कर रही हों तो ये जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपस में इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 55 है तो दिस ऑल्सो 55। वी नो दैट एंगल एक्स इक्वल टू 55 होगा, 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल एक्स इक्वल टू 55 होगा, यानी ये वाला हमने फाइंड आउट कर लिया, 55 हो गया। और उसके बाद देखो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये हमें दिख रहा है कि ये कंप्लीट एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ये दोनों एंगल एक लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, ये दोनों क्या है, एक लाइन के ऊपर बनते हैं, उनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। और वो 180 डिग्री के होते हैं, चाहे वो इसके बीच से एक और लाइन क्रॉस कर दो, यहाँ से एक और कर दो, तो ये सारे एंगल आपस में मिलकर कितने के, 180 के। वो तीन हो चार हो, एक लाइन के ऊपर जितने बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे। एंगल एक्स हमें पता है 55 है, तो एंगल एक्स की जगह 55 रख दिया, प्लस था प्लस लगाया, एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें एंगल वाई निकालना है, तो एंगल वाई को यहीं रखो, इस 55 को उठाकर 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साइड ये प्लस का है। एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना आ गया, 125 डिग्री। और एंगल वाई कितना आ गया हमारे पास, 125, यानी ये वाला 125 हो गया। तो इसके अपोजिट कौन सा है, एंगल जेड। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, इसमें भी क्या रीज़न दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप एंगल इक्वल दिखाओ या कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हो इस वाले चैप्टर में, तो आपको प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है। इसमें बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, ठीक है। तो हमने एंगल एक्स भी निकाल लिया, एंगल वाई भी निकाल लिया, एंड एंगल जेड भी निकाल लिया। तो तीनों के तीनों हमने फाइंड कर दिए, वो हम यहाँ लिख देंगे, एंगल एक्स इक्वल टू 55, एंगल वाई इक्वल टू 125, एंड एंगल जेड इज 125 ऑल्सो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक बार फिर से प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ये बोल दिया, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, जो स्टेट जो बोला है, उनके बारे में बताना हमें। दो पैरेलल लाइन ले ली, और पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्स रे क्रॉस करती हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनती है वो बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ ए पैरेलल टू बी। इस क्वेश्चन में इसने बता दिया कि ए जो है वो बी के पैरेलल है, ये वाली ए हो गई एंड ये वाली बी हो गई, ये आपस में पैरेलल है। तो हमें ये बताना है, देन ए एंगल वन ये रहा एंड एंगल फाइव वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब किस प्रॉपर्टी से हमें वो हम बताना है। देखो, एक वो सॉल्यूशन में दे दिया इसने, गिवन क्या दे रखा है, एंगल सॉरी ए पैरेलल टू एंगल बी, ये चीज़ इसने दे दी। तो हमें पता है कि कोई भी जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और उनको जब ट्रांसवर्स रे क्रॉस करती हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग होंगे कौन से, एंगल वन ये रहा, एंगल फाइव इसके कॉरस्पॉन्ड, एंगल वन का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइव है, एंगल फोर का एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एट है, एंगल टू का एंगल सिक्स है, एंगल थ्री का एंगल सेवन है। तो ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होगी। तो वन फाइव के इक्वल होगा, टू सिक्स के इक्वल होगा, फोर एट के इक्वल होगा, थ्री सेवन के इक्वल होगा। तो अब इनमें से कौन सा पूछा जाए, हम बता सकते हैं। इसने पूछा सिर्फ एंगल वन एंगल फाइव, तो कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, इफ़ एंगल फोर इक्वल टू सिक्स। इसने बोल दिया कि एंगल फोर जो है, अब की बार ये वाली चीज़ इसने दे दी, एंगल फोर जो हुआ एंगल सिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमें दिखाना है एंगल ए जो पैरेलल होगी एंगल बी के, सॉरी लाइन ए जो है पैरेलल होगी बी के। हमें पता है एंगल फोर और एंगल सिक्स कब इक्वल होते हैं, एंगल फोर और एंगल सिक्स इक्वल हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग फोर और सिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स बोल दिया। सो ए पैरेलल टू बी, बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, सो ए पैरेलल टू बी। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो उनकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये बता दिया हमने, अगर इस क्वेश्चन में ये दे दिया होता तो ये भी हम बता सकते थे, लाइन ए जो है वो पैरेलल है बी के, तो हम क्या बोल देंगे, एंगल फोर इक्वल टू एंगल
6, 4 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, दोनों ही क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टीज़, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ये चीज़ है। देन ए पैरेलल टू एंगल बी, ठीक है। तो क्या दे दिया इसने, एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये देखना, जब भी हम मान लो इसको कंप्लीट करते हैं तो ये हो गया, इसको आगे बढ़ा रखा, और इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये वाले एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, 4 एंड 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी ये जो बन रहा है, ये जो लाइन क्रॉस कर रही है आपस में, तो ये वाला और ये वाला इंटीरियर हो गया, ये तो एक्सटीरियर हो गया, ये बाहर की तरफ है ये वाला भी, एंड ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इंटीरियर कौन सा हो गया, 4 एंड 5, 3 एंड 6, ये वाले, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, सो ए पैरेलल टू बी, इसलिए ए जो है बी के पैरेलल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से, ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और जब अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दे तो हमें पता है कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी घुमाकर भी पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टी। तो चलो इनसे बेस्ट क्वेश्चन पर हम और डिस्कस करते हैं आगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस वर्क और आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको घर से करना है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन फॉलोइंग, ये जो दे रखा है इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ये वाली लाइन हो गई, इसको ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसमें से एक बीच से ये वाली लाइन कट कर दी, ये वाला एंगल एक्स दे दिया, दिस 25, दिस एंगल जेड, दिस एंगल वाई एंड दिस एंगल 40। तो हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा वो आपकी मर्जी है, जो सूटेबल होती है वो लगानी है। देखो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये वाली कंप्लीट एक लाइन है, तो एंगल 40 प्लस एंगल प्लस 125 इक्वल टू 180 होगा, लीनियर पेयर मैंने बताया था, इसमें से कितने भी एंगल और ड्रॉ कर दो जो एक लाइन के ऊपर जितने बनेंगे सारे 180 के होंगे, इन दोनों को प्लस करना, 180 में से माइनस कर देना, वो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या निकालेंगे, ये बताया हमें कि ये भी एक लाइन है, एंगल एक्स प्लस 25 और ये प्लस जेड, एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी, तो जेड के निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना और 180 में से माइनस कर देना, सेम वैसे ही हो गया। या फिर कैसे बता सकते हैं जेड की, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो 40 इक्वल टू एंगल जेड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 40 हो गई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकेंड पार्ट है, जब दो ट्रांसफर से एक दूसरे को क्रॉस करें तो एंगल एक्स, एंगल वाई, 80 एंड एंगल जेड, तो ये वाली निकालनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस भी किया था प्रैक्टिस वर्क में। सेकंड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग गिवन फिगर आइडेंटिफाई करना हमें, इसने दे दिया दो पैरेलल लाइन दे दी, ठीक है, ये वाली दिस एंड दिस, और इनको एक रे ट्रांसफर्स रे कट कर रही है, तो हमें बताना है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने डिस्कस किया था पीछे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, तो उनके लिखने हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनमें से कौन से होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर लिखने हैं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इस टाइप से पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स रे के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल बने हुए हैं वो वाले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है इफ़ पी पैरेलल टू क्यू देन फाइंड अननोन एंगल, अगर पी जो है क्यू के पैरेलल है देन अननोन एंगल हमें फाइंड करने हैं जो इसमें अननोन दे रखे हैं। ये वाली पैरेलल लाइन होगी पी एंड क्यू, दिस ट्रांसवर्स रे, तो इसमें दे दिया एंगल ई 125 डिग्री एंड एंगल एफ ए बी सी एंड डी, तो ये वाले ई एंड एफ ए बी सी डी ये वाले अननोन एंगल ही हमें फाइंड करने हैं। सेकेंड पार्ट इज दिस लाइन आर पैरेलल एंड दिस लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, तो ये आपस में कट कर रही हैं, तो इसमें दे दिया 110 डिग्री एक्स एंड 70 डिग्री, तो हमें कौन से में कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगेगी, कौन से में अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगेगी, तो उन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्स की वैल्यू निकालनी हमें, क्योंकि अननोन तो इसमें एक्स ही है, बस इसकी वैल्यू निकालनी। फाइंड वेदर एल पैरेलल टू एम, अगर एल पैरेलल टू एम है तो हमें फाइंड करना या बताना है एल पैरेलल है एम के, ठीक है, ये वाली लाइन दे दी इसने, ये वाला एंगल दे दिया 126 डिग्री एंड दिस 44, हमें फाइंड करना है कि एल
जो है पैरेलल होगा एम के। ये चीज़ हमें बतानी है कि पैरेलल होगा या नहीं, तो वो हमें एंगल से पता होगी कि 180 डिग्री होता है तब कौन सी लाइन पैरेलल होती है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है तब लाइन पैरेलल होती है। तो वो वाली 126 एंड 44 दे दिया, तो इनको जब प्लस करेंगे देखेंगे कितने आते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है या एडजेसेंट एंगल किसी भी उसका 180 डिग्री होता है तब जाकर वो आपस में पैरेलल होती है, तो वो वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट इज जब ये दो लाइन है, इसमें ये नहीं बताना कि ये हमें पैरेलल है, ये हमें फाइंड करनी है पैरेलल है एल और एम। एंगल दे दिया 57, दिस एंगल वाई और ये 123। ठीक है, इसके वर्टिकली अगर ये इसको हम पैरेलल मान लेते हैं तो 57 इक्वल टू 57 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमें ये देखना है ये अगर आपस में 180 डिग्री आ गए तो क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पीछे भी किया था एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 किया था ना। अगर 180 डिग्री था तो हमने बता दिया था ये पैरेलल टू बी। अगर इनका भी टोटल प्लस करने पर 180 आ रहा है तो क्या बोल देंगे, एल पैरेलल टू एम। तो वैसे ही आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये था आपका आज का होमवर्क। तो आप इन क्वेश्चन से जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आपके डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो आप घर पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की। और इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।